दोस्तों भारत के लिए पहले टेस्ट मैच से पहले बुरी खबर आ गई है। जी हाँ, अच्छा प्रदर्शन कर रहे युवा बल्लेबाज पृथ्वी शॉ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं। आपको बता दें कि जब आज उनको प्रैक्टिस मैच के दौरान पैर में चोट लगी, उसके बाद जब उनका स्कैन किया गया हॉस्पिटल में ले जाकर, तब उसमें हल्का सा फ्रैक्चर आया है और हल्का सा बाल आया है, जिसके बाद उन्हें एक हफ्ते का आराम दिया गया है। एक हफ्ते के आराम के तहत अब उनको पहले टेस्ट मैच से बाहर कर दिया गया है। इस बात की ऑफिशियल घोषणा हो गई है और पहले टेस्ट में अब मुरली विजय और केएल राहुल ही पारी का आगाज करेंगे। लेकिन भारत के लिए बुरी खबर है, क्योंकि पृथ्वी शॉ शानदार फॉर्म में चल रहे थे और इस प्रैक्टिस मैच में भी उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी थी। ये भारत के लिए बुरी खबर है। अगर आप भी चाहते हैं कि पृथ्वी शॉ पहले टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट में वापसी करें, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पृथ्वी शॉ वाकई में शानदार खिलाड़ी हैं और इस तरीके के युवा को हमें संभाल के रखना होगा और इन चोटों से बचाना होगा।